पिछले डेढ़ साल से जो है हिमाचल प्रदेश में इस बोर्ड में राजनीति ज्यादा हो रही है और काम कम हो रही है राजनीति ज्यादा होने के कारण जो है करोड़ों रुपए जो, जो है जो कामगारों के खाते में जाने चाहिए थे वो उनके खाते में नहीं जा जा पा रहे हैं इस तरह की राजनीति दखल की जाएगी तो इसका खमायाजा मुख्यमंत्री को भी आ, ये उसको भी उसके खमाजा जो भुगतना पड़ेगा और एक प्रभावशाली मंत्री और है जिला मंडी उसको भी भुगतना पड़ेगा स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णावा ज्वेलर्स मोती बाज़ार मंडी सोने सी चमकाएं अपनी खूबसूरती प्रदेश की भाजपा सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए बनाए गए संविधानिक संस्था श्रमिक कल्याण बोर्ड का राजनीतिक दुरुपयोग कर रही है और हजारों मजदूरों को बोर्ड से मिलने वाले लाभों से वंचित रखा जा रहा है जिसका खामियाजा प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ेगा यह बात सोमवार को हिमाचल प्रदेश मनरेगा एवं ग्रामीण कामगार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष संतराम ने मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही संतराम ने श्रमिक कल्याण बोर्ड के मंडी कार्यालय का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार के राजनीतिक दखल के चलते हजारों मजदूरों के मामले पिछले डेढ़ साल से लंबित पड़े हुए हैं। वहीं यहां पर काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की ट्रांसफर की जा रही है पिछले डेढ़ साल से जो है हिमाचल प्रदेश में इस बोर्ड में राजनीति ज्यादा हो रही है और काम कम हो रही है राजनीति ज्यादा होने के कारण करोड़ों रुपए जो है, जो है जो कामगारों के खाते में जाने चाहिए थे वो उनके खाते में नहीं जा जा पा रहे हैं क्योंकि पिछले छः छः महीने तो जिला मंडी के जो है आपके लेबर कार्यालय में कोई काम हुआ नहीं जो कर्मचारी थे वहां उनकी रातों रात ट्रांसफर की गई और उसमें दोनों जो मन एक तो महत्वपूर्ण मंत्री है हिमाचल प्रदेश में उसका हाथ में और मान्य मुख्यमंत्री उसमें थे और उनके दखल देने से क्या हुआ कि इस बोर्ड का जो उद्देश्य था जो लक्ष्य था उन मजदूरों का बेहतरी के लिए वो सारे काम प्रभावित हो गए और पिछले साल तो ये हो गया कि दो करोड़ दो करोड़ जो है इस बोर्ड ने जो मुख्यमंत्री राहत कोष में डाले जबकि ये जो बोर्ड के पैसे ये मजदूरों की बेहतरी के लिए उनके जितनी भी योजनाएं उनकी उसमें खर्च होना है लेकिन राजनीतिक तौर पे जो है वो मुख्यमंत्री राहत कोष में डाले जा रहे हैं और अभी मैं स्ज की बात कर रहा हूँ मैं सराज में को छः करोड़ है जो लोगों के मजदूरों के खाते में जा रहे हैं वो नहीं वो लटके हुए हैं अभी वो पेंडेंसी मंडी में पड़ी हुई है और इकतीस मार्च तक जो है अभी कह रहे थे कतीस मार्च तक तो उस पेंडेंसी को पूरी करेंगे लेकिन जिला लेबर अधिकारी ने कहा कि हम कत्तीस जनवरी को पूरी पूरी पेंडेंसी खत्म कर देंगे ये उन्होंने लिख करके दिया था चीफ सेक्रेटरी उनका जो इसका बोर्ड का है वहाँ लिख के दिया था लेकिन अभी तक पेंडेंसी खड़ी है अभी मैं खुद अभी जो लेबर फीस कार्यालय ले में जा के आया हूँ मेरा हमारा कहने का मतलब है कि इस तरह की राजनीति दखल की जाएगी तो इसका खमायाजा मुख्यमंत्री को भी ये उसको भी उसके उसका खमायाजा जो भुगतना पड़ेगा और एक प्रभावशाली मंत्री और है जिला मंडी उसको भी भुगतना पड़ेगा क्योंकि ये जितने भी जो क्लेम है ये उन मजदूरों से हैं जो सीधे तौर पर जो है उनको जो है जो बोर्ड का समय है उनको जो है सीधी चोट करेगा फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें